प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट और देशभक्त रमणीक सिंह मान साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान इज नॉट ऑल बट लॉस्ट। पाकिस्तान के अंदर एक जागरूकता, एक कहते हैं ना कि जाग रहा है अभी पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के लोगों को जब ये पता लगेगा कि किस कदर पाकिस्तानियों के हक हकूक मार कर ये जर्नैल कोई पापा जॉन पिज़ा, कोई मिलियनियर, कोई मल्टी मिलियनियर, कोई बिलियनियर बन के पाकिस्तान को बेच के, पाकिस्तान की आवाम के हक का पैसा खा के, जो गरीब के मुंह से निवाला छीन के अपनी जेबें भरते हैं, सोने की अशरफियां अपनी इकट्ठी करते हैं, डॉलर इकट्ठे करते हैं, अपने बच्चों को बाहरले मुल्कों में पढ़ाते हैं, उस पाक फौज के खिलाफ जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई, तो वो आप मान के चलिए यौम इनकलाब पाकिस्तान के अंदर एक नजर आया, देखने को मिला। तो उस हैसियत से मैं समझता हूं कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें एक अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर आ रही है कि लीडर ऐसा भी हो सकता है जिसकी 4 बीवियां 5 बीवियां 14 बच्चे ना हो, जो बिल्कुल तन्हा हो, अकेला हो, पर 140 करोड़ आवाम या पाकिस्तान की नजर से 22-25 करोड़ आवाम उसका परिवार हो, उसका कुनबा हो, उसकी फैमिली हो, या उसका पंजाबी जिम्मे कहते उसका टब्बर हो गए। सो वो शख्स, सिर्फ वो शख्स जो है वो आपके मुल्क को, आपकी आवाम को, देखिए भारत के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 4 गुना पॉपुलेशन को, 80 करोड़ जो भारतीय हैं उनको हर महीने फ्री राशन मिलता है। आप पता नहीं आपको इस बात का इल्म है या नहीं है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, तेल, दालें, सब किस्म का सूखा अनाज, जो राशन जो है वो फ्री में दिया जाता है 80 करोड़ आवाम को, और वो एक दिन दो दिन नहीं, वो पिछले 3 साल 4 साल से दिया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी ने सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज, यानी कि आवाम को, सिटीजन्स को या जनता को अपनी पॉलिसी मेकिंग के सेंटर पॉइंट में रखा हो, एपी सेंटर में रखा हो कि हमने जो भी कुछ करना है वो हमने गरीब आवाम के लिए करना है, उनके हेल्थ केयर की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, हमारी बेटियों की हाइजीन की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, रोड्स की बात हो, एजुकेशन में स्कूलिंग की बात हो, प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों के लिए करिकुलम और बच्चों के लिए फैसिलिटीज की बात हो, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, मेडिकल साइंसेज की एजुकेशन की बात हो, हर वो सेक्टर जो एजुकेशन से रिलेटेड है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल्स हैं, आपको फ्री इलाज मिलता है 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए पाकिस्तान के 15 लाख रुपए हो जाते हैं, मैं आपको बता। तो 15 लाख रुपए तक का इलाज हर एक शहरी को, हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को फ्री में यहाँ पे दिया जा रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक वक्त ऐसा था, भारत भी पाकिस्तान के जैसा ही था, कि पैसों के अभाव में, पैसों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती थी, उससे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता था, तो मुल्क का फ्यूचर जो है, मुल्क का, देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो अंधकार में जाता था। उसके अंदर एक करेक्टिव मेजर आया है, यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हुई है। अभी भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बना के तैयार की है। तो क्यों ना ये चीजें जब लोगों के कानों तक पड़े पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान अधिकृत जो इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर है, तो उन लोगों के अंदर क्यों ना एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। उन गैस फील्ड्स को और उन कॉपर रिजर्व्स को जिस तरीके से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक्सप्लॉइट कर रही है, आपके घर रोशन हो रहे हैं, आपके घरों में बिजली आ रही है, आपके घरों में गैस आ रही है, वो बलूचिस्तान की आवाम का है पैसा, उनके पास वो आज भी लकड़ी के ऊपर खाना पका रहे हैं, उन बलोचों के लिए क्या। सो जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है और पता लगता है, जैसे आपने हमेशा पिछले 75 साल में कॉम्पिटिशन सिर्फ भारत के साथ किया, हमसाया मुल्क कहना कि हम और उनमें क्या फर्क है, हम उनसे ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है, या जितना भी आज तक पाकिस्तान के नुक्ते नजर से जो एक नजरिया, एक जो दृष्टिकोण रहा पाकिस्तान का, वो हमेशा भारत के साथ कम्पीट करने का रहा।
तो एक बात मोदी जी ने आज से 5-6 साल पहले कही थी कि आइए हम कंपीट करते हैं, आइए हम लड़ते हैं मिलके इस गरीबी के, इस गुर्बत के, इस अनएजुकेशन के खिलाफ लड़ते हैं, बीमारियों के खिलाफ आइए हम दोनों मिलके लड़ते हैं। उस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, उनको वो बात समझ में नहीं आई और वो दूसरे किसी किस्म की प्रतिस्पर्धा में या कॉम्पिटिशन में भारत के साथ पड़ गए। आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि हम पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचे, हमारे को क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की। सो वी विल मूव फॉरवर्ड और हम भारत को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम अब ये चाहती है कि जैसे भारत में तरक्की हो रही है वैसे पाकिस्तान में तरक्की होनी चाहिए, जैसे भारत की आवाम को बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के, हुकूमत की पॉलिसीज के, वैसे हुकूमत की पॉलिसीज के पाकिस्तान की आवाम को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है और आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी भारी आवाज है कि लीडर मोदी जैसा होना चाहिए जिसका कोई बच्चा नहीं है, कोई बीवी नहीं है, किसी के लिए वो करप्शन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि वो भाग जाएगा और उसके बाद किसी मुल्क के जो हुक्मरान है उनको मीडिएट करना पड़ेगा, जो जो तमाशा पाकिस्तान में कब से चलता आ रहा है। तो वो उस लिहाज से ठीक है बात। सर अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि मतलब कोई फैमिली ना हो, शादी ना हुई हो और बच्चे ना हो, कुछ ना हो, तो हमारे यहाँ जो इस पूरे क्राइटेरिया में आपके फिट आते हैं उनका नाम मैं लूँ तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, शेख रशीद। अब आप ये मत कहिएगा कि हम शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर बना दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको ना एक बेसिक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। यहाँ पे ना आपको एक मुल्क बिल्ड करने के लिए ना पहले आपको एक कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है, आपके अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक आपका आपका चरित्र होना चाहिए। तो यहाँ पे राष्ट्र निर्माण, एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक शब्द है हिंदी का, कह लीजिए संस्कृत का, उसको कहते हैं राष्ट्रबोध। यू डोंट नो योर नेशन, आप मतलब बहसी थे पाकिस्तानी, आप कंफ्यूज रहते हैं कि आप तुर्क हैं, कि आप अरब हैं, कि आप ये आर्यन हैं या पर्शियन हैं। तो जो पाकिस्तानियों को सूट करता है वो मौके के हिसाब से जो है वो कभी एर्दुगल गाजी बन जाते हैं, कभी वो अरब बन जाते हैं, कभी वो ये ईरानी बन जाते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं कतई भी ना किसी के साथ भी, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की, मैं कहता हूं कि मोदी साहब जो है ही इज अनकम्पेरेबल विद एनी ग्लोबल और रीजनल लीडर, उनका कोई सानी है ही नहीं। उस इंसान ने, उस शख्स ने, आप मानेंगे टाटों के ऊपर वो आदमी सोया हुआ है, 3 की चदरों के ऊपर दरी बिछा के वो आदमी सोया हुआ है, उस आदमी ने पैदल हिंदुस्तान की जो सड़कें उनको गाया हुआ है, उस आदमी ने यहां से एक वो पीछे आए थे दिल्ली के पास एक हाईवे का उद्घाटन करने के लिए, उन्होंने बताया कि हम रोहतक से गुड़गांव जो गालिबन 120-130 किलोमीटर हम मोटरसाइकिल पे अप डाउन किया करते थे, और यहाँ पे चंडीगढ़ के आसपास कई ऐसे लोग हैं जो ये कह देंगे कि साहब हम मोदी जी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करते थे या मोदी जी पीछे बैठते थे हम मोटरसाइकिल चलाते थे, और कहते कई बार तेल खत्म हो जाता था तो मोदी जी मोटरसाइकिल को धक्का मार के भी पेट्रोल पंप तक हमारी मदद करते थे। आप बताइए शेख रशीद ने धक्के मारे कभी मोटरसाइकिलों को, या नवाज शरीफ ने कभी धक्के मारे मोटरसाइकिलों को। सो मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने उतना अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्फा एक आम शहरी के नाते से समाज के अंदर, लोगों के अंदर, मुआशरे के अंदर रह के गुजारा है, वो तकलीफ भी समझता है, वो गरीबी और गुर्बत को जिसने महसूस किया है उसको ये पता है कि इससे बाहर कैसे निकालना है, तो वो उनका सानी आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या रीजनल पॉलिटिक्स में कोई लीडर नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान में तो आप किसी का भी नाम ले लीजिए, राइट फ्रॉम द बेस्ट मैन, मैं तो कहता हूं कि माफ करना, देखिए मैं तो खुल के कहूंगा मेरे तो मुल्क का लीडर ऐसा है, हमारे पास है ऐसा हीरा, तो हम कहेंगे आपके कायदे आजम से भी अगर ऊपर मैं समझता हूं कि आज की डेट में कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है। और पाकिस्तानियों को अगर तरक्की चाहिए तो नरेंद्र मोदी के, उनको भी उनके छतरी के नीचे आना चाहिए, अम्ब्रेला के नीचे आना। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और अमनीक सिंह मान साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि चर्चा की पाकिस्तान में, और जैसे कि भारत की बदली हुई तस्वीर वो आपके सामने रखी है रमणीक सिंह मान साहब ने। आपने देखा आरजू काजमी के सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया रमणीक सिंह साहब ने। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में,
तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।